बेटा कोई बात हुई है? नहीं 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 तो कुछ कहा काफिया ने? नहीं बेटा। और बताओ सब कुछ ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। तुम मुझे कुछ बताती भी नहीं, आफाक ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं भला क्यों परेशान होगी, आफाक तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा तो फिर देखो तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं होना चाहिए। उसको फौरन से पहले तलाक दो। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारा ये लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित ना कर दूं। नहीं दूंगा मैं उसे तलाक। तुम्हारी औकात ही क्या है? एक एक मिनट नहीं लगेगा। तो देख मैं तेरे साथ करता क्या। तुम्हें झूठे इंसान हो, झूठे। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और वो तमाम चेक जो आफाक के नाम पर पास हुए थे उसमें सिग्नेचर्स भी आफाक के नहीं, और उनमें से दो चेक तो ऐसे हैं जो उन दिनों में पास हुए हैं जब हम बैंकॉक में। और हाँ एक बात और, उस अकाउंट से लेन देन फरूख ही करता है। वहां के बैंक मैनेजर और कुछ लोगों ने मुझे बताया है जो उसे ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि वो अकाउंट फरूख के इस्तेमाल में है। क्यों आया, निकालो उसके पास। क्यों झूठ बोला आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? झूठे फरेबी आदमी आप, इस घटिया हरकत से मिलेगा क्या आपको? आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है। झूठ क्यों बोला आपने? कलर्स का बात क्यों किया आपने? ऐसे छोड़ा मुझे, बात कर रहे तो मुझे। सॉरी अफा, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं काफिया, आप क्यों रो रही है? आपका कोई कसूर नहीं है। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल बेकसूर हैं। प्लीज प्लीज आप ठीक हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, प्लीज। आफाक उठिए, जल्दी करें ना, मुझे स्कूल पहुंचना है। ओके मुंह धो लीजिए, चली। एक मिनट, आप ठहरे, मैं भी आपके साथ चलता हूं। मेरे साथ? ओके। थैंक यू आफाक, तुम जिस तरह से फराग दिली का मुजाहिरा करते हो, काश मैं भी वैसे कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो। चलिए एक मिनट। आप चल सकते हैं। ओके। Thank you.
आफाक के साथ कौन है? जी ये दो बोतलें खून की कुछ मेडिसिन है, जल्दी से ले जाओ। सुने कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? माँ कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा। अल्लाह के रसूल सलामत रहे तेरा पुत्र, अल्लाह से मुझे कोई कॉल भी मत देना और प्लीज कोई मेरे ऑफिस में भी ना आए, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओके ओके हेलो बिलाल, मैंने तुमको मना किया था कि तुम मुझे फोन नहीं करोगे, तो फिर क्यों किया तुमने? अरे फर्रुख साहब, कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी थी अचानक, वरना मैं आपको कॉल क्यों करता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पैसे तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अरे बॉस, मैं वो पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, वो जरूरत पड़ गई थी, वापस ले लेना। देखो बिलाल, पहली बात तो यह है कि मैं तुमको पैसे दे चुका हूँ, और दूसरा ये कि पता नहीं अभी काम हुआ भी है या नहीं। अरे उस तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, वो काम तो समझे हो गया, बिलाल टोपी की गोली उसको छू चुकी है, अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। अब तक तो उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका होगा। अच्छा ठीक है मिल जाएंगे। ठीक तो है ना? देखें जान तो बच गई है उनकी, लेकिन सख्त एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ प्लीज? नहीं अभी नहीं मिल सकते, अभी वो बेहोश है, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकती हैं। शायद थोड़ा मोहतात हो गया, वो भी इसलिए कि हम जब तक भी साथ हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई नुकसान पहुंचे या मेरी जात से आपको कोई दुख पहुंचे, बस इसलिए। तुम बहुत अच्छे हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इतना भी ख्याल रख सकता है। जो मैं तुमसे मांगूंगी क्या तुम मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल,
जरूर दूंगा। यू प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मुझे अपनी मुस्कुराहट दे दो। दोगे ना? लेकिन ये मुस्कुराहट तो पहले ही आपकी है। You know, Afa, you're a very nice person. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, और ये बात मैं कभी नहीं जान पाती अगर मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। काफी आप बहुत परेशान लग रही हैं मुझे। अगर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम कैसी बातें कर रहे हो? गलती तुमसे नहीं हुई है आफा। गलती तो मुझसे हुई है। बस भी करो, कितना पियोगे तुम, क्या हासिल होगा? देखो, तुम अगर अपने तख्लीक अमल की तरफ आओ तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। क्यों जाया कर रहे हो अपने आप को? जाया मत करो। राय गाने का ये अमल तो बहुत पहले से शुरू हो चुका। अब तो बस मैं खुद को समेट रहा हूं। अब तो कहानी भी सिमट रही है। इतनी मायूस कन बातें क्यों कर रहे हो? तब ये ठीक है क्या? थक गए हो? थका नहीं, थकने की अदाकारी कर रहा हूँ। अगर तुमने अदाकारी करना शुरू कर ली ना तो मेरा क्या होगा? फिर तुम एक कहानी लिखना, लेकिन प्रेम कहानी ना लिखना। प्रेम कहानी लिखने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। हेलो, तुझ जैसे पे एतबार करने का यही नतीजा निकलना था। अच्छा, बकवास अपनी बंद कर। इससे अच्छा था कि बस ठीक है ना, खैर छोड़, अब दफा कर। वो गांव वापस चला जाके बकरियां संभाल अपने। जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। मैम, ये फूल लिए फरूख साहब ने आफाक साहब के लिए, और वो इस वक्त लाइन पर है, आपसे बात करनी चाहते। हेलो। हाँ काफिया, अब कैसी तबीयत है आफाक की?
सब ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर्स ने? हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हैं। एक गोली लगी है बाजू में, बस अल्लाह मियां ने करम किया है और वो बच गए। अरे तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके बाय। अब ये फूल उसने क्यों भेजी है? उसको किसने बताया कि आफाक जख्मी है? हैं? उसका क्या रिश्ता है अब हमसे? जी नहीं भरा उसका? क्या ड्रामेबाजी कर रहा है वो? डॉक्टर साहब, वो हम आफाक को घर कब ले जा सकते हैं? शाम तक इनकी छुट्टी हो जाएगी और एक दो दिन में इनकी पट्टियां भी खुल जाएंगी और वीकली चेकअप के लिए इनको आपको लाना होगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में हम बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, आफाक को यहाँ से रिलीज करवाना है ना? आप आइए मेरे साथ। धीरे, आराम से, आराम से। एक मिनट बैठो। अच्छा, अब बताओ, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे या जूस? कॉफी नहीं है। जी बोले, क्या बात है? I'm sorry, काफिया। I don't know कि सब क्या सोचेंगे कि, लेकिन honestly speaking, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही फोन करके पूछ लूं कि अब कैसी तबीयत है उसकी। काफी बेहतर है, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और हम उन्हें घर ले आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, he's doing fine now. सुनो, कुछ पता चला कि किसने ये सब कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है, बट कराची के हालात इस तरह के कि यू कैन प्रीटी मच एक्सपेक्ट एनीथिंग, वी हैव नो आईडिया। हाँ ये तो है, हालात तो वाकई बहुत खराब हैं। अब देखो ना, हर दूसरे दिन टारगेट किलिंग में कोई ना कोई। खैर, अच्छा दरवाजे पे कोई है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके ओके। अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें अंदाजा है उस दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर किस तरह का माहौल था? सब कितना परेशान हो गए थे। वो बात दरअसल ये काफिया जी के, मुझे एक्चुअली बहुत खुशी है।
वो मेरा मतलब है, इससे पहले मैं ये समझता था कि मुझे ही सबकी तकलीफ अपनी लगती है, लेकिन अब पता चला कि सब लोग मेरी तकलीफ को भी अपना समझते हैं। हाँ फारूक, बोलो क्या हुआ? हाँ काफिया, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। I'm sorry, that's not possible. आफाक की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें छोड़ के इस तरह तो नहीं आऊंगी। देखो काफिया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। What is wrong with you? I'm sorry, but that's not possible. अच्छा तो प्लीज एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहां पे? देखो मैं इस रोज रोज की तकरार से बहुत तंग आ गया हूं। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम कोई लाहे अमल तय कर लें तो अच्छा होगा, इसके बाद ना तो तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना ही मुझे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हालात उस तरह के नहीं है कि मैं कोई फैसला कर पाऊं और ना ही मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लूं। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, जब सब कुछ डिसाइडेड है तो कैसे मुमकिन नहीं है? क्या चाहते हैं आप, क्या तय कर लूं मैं? ये तय कर लूं कि आफाक कब से एहतियाब हो जाएगा, या ये तय कर लूं कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाऊंगी या नहीं, या फिर ये तय कर लूं कि बच्चे की पैदाइश के कितने दिन के बाद मुझे तलाक ले लेनी चाहिए? आई थिंक हमें हर चीज को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। क्या किस्मत में होगा तो हो जाएगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो आफाक के साथ तुम्हारी शादी एक तयशुदा अमल है और डिवोर्स भी डिसाइडेड थी, फिर इस बात का क्या मतलब हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत थक चुका हूं, इट्स इनफ, अब लौट आओ प्लीज। प्लीज फारूक, कितनी जल्दी मुमकिन नहीं है, मैं इस वक्त अफाक के साथ तलाक का सोच भी नहीं सकती। अफाक अफाक अफाक, सर में दर्द हो गया ये नाम सुन सुन के मेरे। देखो तुमने जो करना है फौरन डिसाइड करो, वरना 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 क्या? वरना ये कि इस मर्तबा तो वो बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा। हमला तुमने किया था? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही, और तुम, ओ माय गॉड, तुम एक गिरे हुए इंसान हो ये तुम्हें बहुत पहले से जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। I'm very sorry. लेकिन मैं तुम्हारे जैसे शख्स के लिए आफाक को नहीं छोड़ सकती, ये मुझसे नहीं होगा। छोड़ने का सवाल तो तब पैदा होगा जब वो जिंदा बचेगा। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें मैं, 4th दिन का सूरज नहीं वो देख पाएगा, और तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो जो मैं कहता हूं वही करता हूं। Thank you.
काफिया जी, हम दोस्त हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्या आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म की शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगा। मैं कह दूंगा कि आप मुझे नहीं पसंद और मैं कुछ भी कह दूंगा, मैं सब फेस कर लूंगा। शायस्ता, मुझे तो कोई भी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पर किसी की भी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम कहोगी तो शायद मान जाए। प्लीज इस वक्त तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मुझे। आप खामखा डर रही हैं। और प्लीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप किसी के पास जाकर रहम की भीख मांगे। काफिया जी, आप मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता हूँ। हमें तुम्हारा ये भयानक चेहरा और देर नहीं देख सकते। गफलत में जितना वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, मगर मैं और देर तुमसे बात नहीं करना चाहती। आफाक मेरा शौहर है और मुझे अपने शौहर और अपने होने वाले बच्चे से बेहद मोहब्बत है। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम मेरे लिए मर चुके हो। तुमने जो मेरे और आफाक के साथ किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, और इस बात के लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे बे इंतहा नफरत करती हूँ।